हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेट इज़ मेकअप बाय राशि सोनी। एंड आज का हमारा जो लुक है वो है मेहंदी लुक विद ग्रीन स्मोकी आईज। एंड गाइस, ये जो क्यूट सी मॉडल है और ये जो भी पीछे बैठी हुई है जिनका हेयर स्टाइल हो रहा है वो प्रीवियस वीडियो में हो रहा था, तो अगर आपको ये वीडियो चेकआउट करना है सो मैं इसका जो लिंक है आई बटन पर मैंशन कर दूँगी। सो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने अपनी मॉडल के आईज पे लेंसेज लगा दिए हैं। ये मैंने फ्रेश लुक के लेंसेज यूज़ किए हैं। उसके बाद मैंने आईलिड्स पे मेबलिन का कंसीलर लगा के इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने रियल टेक्निक के ब्रश से, जो हमारा ब्लेंडिंग ब्रश है उससे मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया है। अब हम आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो आउटर इनका एरिया है आईलिड्स का, सो मैंने पिंक आई शेडो लगा के मैं अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ पूरे आईज पे। लाइटली हमें प्रेशर देना है, हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अब मैंने क्या किया है, मैंने ग्रीन कलर का आई शेडो लेके अब मैं उसको एज अ कट क्रीज करके मैं कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं ये ग्रीन आई शेडो कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने फ्लैट ब्रश से कर रही हूँ मैं इसको। एज अ कट क्रीज हमें करना है क्योंकि हमें एज अ कट क्रीज उसका लुक देना था, इसीलिए। सो ये ग्रीन एंड पिंक का कॉम्बिनेशन मैंने रखा है और मैं हल्का हल्का अपने फिंगर से भी अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद हमने दूसरी आईज पे भी कर दी और हमारा ऑलमोस्ट आई मेकअप डन है। अब मैं क्लेंजिंग कर रही हूँ। ये मैंने वेट वाइप लेके मैंने अच्छे से इनके फेस को क्लेंज आउट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा टोनिंग है। आपको पता है कि मेरा फेवरेट टोनर कौन सा है, आप मेरे पिछले वीडियोस पे भी जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद ड्राइंग का स्किन टोनिंग करने के बाद, ड्राई आउट करने के बाद मैं अब बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्राइमर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अ रिकोट प्राइमर, दिस इज़ माई फेवरेट प्राइमर विच आई यूज़ ऑन माई ब्राइड्स और ऑन माई मॉडल्स, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है और ये सेट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है ये हमारा होता है करेक्शन। ये मैंने ऑरेंज कंसीलर लिया है जिससे मैं इनके माउथ एरिया पे, अंडर आइज पे मैं करेक्शन कर रही हूँ। ये एले गर्ल का करेक्टर है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ फाउंडेशन। एंड ये जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है ये नार्स का पंजाब शेड है, जो इनके शेड मतलब इनके फेस पे एकदम सही शेड गया था, तो मैंने इसीलिए यही यूज़ किया। इसमें मैंने कोई और शेड मिक्स नहीं किया था। अब मैं ऑल ओवर इनके फेस पे अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई कर दूँगी। फिर मैंने क्या किया है, मैंने एक फाउंडेशन ब्रश लेके मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि वो इवन आउट लगे। एंड हमें बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, चाहे वो आई मेकअप की हो चाहे वो फेस की हो। मैं अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने नेक पे भी फाउंडेशन लगाया है। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि फेस और नेक का कलर बहुत डिफरेंट लगे, सो आई एम ऑल्सो अप्लाइंग द फाउंडेशन ऑन आर नेक टू। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसीलर। ये मैंने टार्ट का शेप टेप कंसीलर यूज़ किया है इन द शेड लाइट न्यूट्रल। मैं हमेशा न्यूट्रल टोन्स पे ही ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। अब जो जो एरिया में हमें हाइलाइटिंग हमारे पॉइंट्स होते हैं वहाँ वहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई कर दिया है। फिर स्मॉल फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से मैं यहाँ पर इनका ब्लेंड आउट कर रही हूँ कंसीलर। अब आप देख सकते हैं कितना ग्लोई इनका फेस लग रहा है आफ्टर अप्लाइंग द फाउंडेशन। देन हम हल्का हल्का कॉन्टोरिंग करेंगे। ये मैंने क्राइलॉन के पैलेट से मैंने ये शेड लिया है, लिटिल बिट डार्कर। ये ब्राउन शेड है जिससे मैं कॉन्टोर कर दूँगी अच्छे से जहाँ जहाँ कॉन्टोरिंग की नीड होगी। अब हमने कॉन्टोरिंग करने के बाद मैं लगा रही हूँ लिक्विड ब्लशर। अगेन गाइस, मैंने काफ़ी बार अपने पिछले वीडियोस में मेंशन किया है कि मैं कौन सा मैं लिक्विड ब्लशर यूज़ करती हूँ, सो प्लीज़ डू चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोस। सारे प्रोडक्ट डिटेल्स उसमें मैंने मेंशन करे हुए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ये पाउडर हमें बेक करना है। मैंने अंडर आईज पे और जहाँ जहाँ लाइंस आ सकती हैं वहाँ पे मैंने बेकिंग की है और पूरे फेस पे मैंने पाउडर अप्लाई कर दिया है विद अ ब्रश। एंड ये मैंने लॉरा मर्सिया का पाउडर यूज़ किया है, इट्स अ वेरी गुड पाउडर।
आउटर बेकिंग के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये अंडर आई वर्क होगा जो मैं कर रही हूँ। मैंने हल्का हल्का शैडो से मैं ब्लेंड करके मैं इनका अंडर आई वर्क कर रही हूँ। और मैंने इसके बाद जब मैंने आई शैडो को ब्लेंड कर दिया है फिर मैंने ये ग्रीन कलर का मैंने आई शैडो कम लाइनर लगाया है, अभी आप देख सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था उनके फेस पे वो मैं ब्रश से मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ। द नेक्स्ट स्टेप इज़ लाइनर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं शुगर का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं आई मेकअप कितना चेंज हो जाता है आईलाइनर लगने के बाद गाइज। द नेक्स्ट स्टेप इज़ आईब्रो सेटिंग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी अगर आईब्रो नहीं अच्छी लगेंगी तो मेकअप भी नहीं अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने आईब्रो को मैंने ब्रश आउट करके मैंने अच्छे से इवन आउट किया है। अब मैं आई कॉर्नर्स पे मैं हल्का हल्का हाइलाइटर कम शेडो लगा रही हूँ और मैं ये ब्राउ बोन पे भी मैंने लगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ब्रॉन्जिंग। मैं ये हुला का बेनिफिट का हुला ब्रॉन्जर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ये जो ब्रश आता है ये बहुत अच्छा है, मैं इसी से ही ब्रॉन्जिंग करती हूँ। और नोज़ पे मैं छोटे ब्रश से मैं ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, ये थोड़ा फ्लफ़ी ब्रश है। एंड अभी आप देख सकते हैं मैं हल्का हल्का ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने कॉन्टोरिंग भी की थी। सो माय नेक्स्ट स्टेप है ब्लशर, मैंने पाउडर ब्लशर लगाया है। एंड उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगाया, ये मैंने एनास्टासिया का हाइलाइटर यूज़ किया है और हम अच्छे से हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे इनका हाइलाइट कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारी मॉडल कितना ग्लो कर रही हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है लिपस्टिक, लिप लाइनर। ये मैं मैक का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने लिक्विड लिपस्टिक लगाई है एंड देन ग्लॉस, क्योंकि हमें ग्लॉसी लुक चाहिए था बिकॉज इट्स अ मेहंदी लुक। देन हमारा फिक्सर एनास्टासिया का मैंने फिक्सर लगाया एंड दैट्स इट गाइस, एंड दिस इज़ अ फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि हमारी मॉडल कितना ग्लो कर रही है, कितनी सुंदर लग रही है। ये बहुत सिंपल सा ईजी सा मेहंदी लुक है जो आप अपने क्लाइंट्स पे अपने ब्राइड्स पे कर सकते हैं एंड इट विल लुक रियली वेरी गुड। And thank you for watching my videos guys, and please do subscribe, share, like, comment to my channel.